मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन डिटरमिनेंट में प्रोडक्ट टॉप डिटरमिनेंट्स, राइट। और प्रोडक्ट टॉप डिटरमिनेंट का यूज यूटिलिटी ये है कि अगर सपोज कोई डिटरमिनेंट गिवन है और उसमें दैट इज गिवन, उसमें जितने भी एलिमेंट्स गिवन है दैट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट टॉप टू एलिमेंट्स, राइट। और वैल्यू उसकी इवेल्युएट करने के लिए ही आएगी। जो प्रोडक्ट टॉप डिटरमिनेंट का वो यूज है वो खाली इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट के लिए ही है, बट एलिमेंट्स इस तरह से दे रखे हो, दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, राइट। तो उस केस में प्रॉपर्टीज लगाना भी मुश्किल हो जाती है, तब हमें एक काम करना पड़ता है, देन वी हैव टू सेपरेट, बिकॉज व्हेन टू डिटरमिनेंट्स आर प्रोडक्ट इज डन, उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, देन वी कैन सेपरेट देम, उन दोनों डिटरमिनेंट्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेट करके उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देन वी कैन इवेल्युएट द evaluate the determinant of the total given determinant, that we divide it into two parts and each part can have the value, to uski dono ki value nikal jayegi, is tarah se ye workout hota hai. Aur determinant mein jo hai we can multiply in any way, to jo aapko determinant milega jiski value evaluate karne ke liye aayegi wo already row by column, column by row aur column by column, तो इसमें डिटरमिनेंट में सभी तरह से प्रोडक्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। मैट्रिक्स को आप रो बाय कॉलम ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट डिटरमिनेंट कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी वे, राइट। सो नंबर वन पॉइंट, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट इज डन, सो पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, उन दोनों डिटरमिनेंट के ऑर्डर सेम होने चाहिए, राइट। और जो प्रोडक्ट करने की पॉसिबिलिटी है दैट कैन बी डन बाय सो मेनी वेज। फर्स्ट ये है कि रो बाय कॉलम कर सकते हैं, रो बाय कॉलम हो सकता है, राइट। सेकंड हो सकता है रो बाय रो हो सकता है, पहला रो बाय रो ले लीजिए, रो बाय कॉलम ले लीजिए, राइट। एंड थर्ड, इट इज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई कॉलम बाय रो, एंड फोर्थ वन इज वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय द कॉलम बाय column also, right? So there are all four possible ways by which we can multiply. By which we can multiply, ऐसा बोलना गलत होगा, हमें उल्टी बात देखनी पड़ेगी कि जो determinant हमें मिला है जिसकी हमें value निकालनी है वो किस product से आ रहा है, किस type के product से आ रहा है वो, तो उस product को detect करके दो boxes अलग अलग बनाएंगे determinant के और उसमें elements place करके दो individual डिटरमिनेंट्स को हम क्रिएट कर लेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू, राइट। तो देखिए, पहले हम प्रोडक्ट करना सीख लेते हैं कि किस तरह से करना होता है। लेट्स से डेल्टा, डेल्टा वन इज द फर्स्ट डिटरमिनेंट इज गिवन एज द ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, राइट। एंड द सेकेंड डिटरमिनेंट इज डेल्टा टू, लेट्स से it is given as the x1, y1, z1, x2, y2, z2, right, x3, y3, z3, right। तो अभी मैं फर्स्ट रो बाय रो से आपको इसको एक प्रोडक्ट करके एग्जांपल दिखा देता हूं किस तरह से आएगा। और देयरफॉर डेल्टा 1 इनटू डेल्टा 2, डेल्टा 1 इनटू डेल्टा 2 मींस बोथ आर मल्टीप्लाइड, राइट। तो प्रोडक्ट हम नहीं लिखते हैं यहां पे, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। एंड रो बाय रो मींस फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट रो, तो इसी तरह से और उसको मैं रखना यहाँ पे होगा, तो मैं वन बाय वन सारे मल्टीप्लाई करते चलता हूँ। आप इसको समझ सकते हैं कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी प्रोडक्ट की, राइट। सो दिस इज ए वन एक्स वन, ए वन एक्स वन प्लस बी वन वाई वन, इट इज वी आर टेकिंग इट बाय द रो बाय रो, रो को रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डन बाय रो मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो ए वन एक्स वन प्लस बी वन वाई वन प्लस सी वन जेड वन, राइट। सो दैट विल बी रिटर्न एट द फर्स्ट प्लेस, राइट। अगर फर्स्ट रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको यहां रखना पड़ेगा वन टू पोजिशन पे, एंड दैट इज द ए वन एक्स टू प्लस बी वन वाई टू, बी वन वाई टू प्लस सी वन जेड टू, ये इस प्लेस पे आ जाएगा, राइट। और इस फर्स्ट डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और इसकी थर्ड रो अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दैट विल बी रिटर्न एज द वन थ्री पोजीशन, एंड दैट इज
a1x3 plus b1y3 plus c1z3. So I have to written here a1x3 plus b1y3 plus c1z3. So देखिए ये first first row complete हुई. By this determinant, by the first determinant, the basically the first position is decided, right? तो इसकी first row को हमने multiply किया था, first row को इसकी first row से, second row से और third row से, so 1-1 position, 1-2 position, 1-3 position पे आ गया, right? अब अगर हम मान लीजिए इसका second row लेंगे, second row लेंगे तो second row को first row से multiply करना होगा, वो placement यहाँ होगी, and second row से multiply होगा, तो middle में आएगा, right? And second row third row से multiply होगा, तो 2-3 position पे आएगा, और उसको हम जल्दी से लिख देते हैं, so that is the a2x1 plus b2y1 plus c2z1 होगा, right? And that is the a2x2 plus b2y2 plus c2z2 होगा, right? And similarly this is a2x3 plus b2y3 plus c2z3 will be kept here, right? तो इसकी second row और इसकी third row को multiply किया, तो वो इस position पे यहाँ रखा गया, right? इसके बाद आए थे हम third row पे, so that is the a3x1 plus b3y1 plus c3z1, so 3-1 position ये है. Then comes the 3-2 position, that is the a3x2 plus b3y2 plus c3z2, so that is kept here, right? और उसके बाद में जाएंगे last third 3-3 position पे, so that is the a3x3 plus b3y3 plus c3z3, right? So the how this product is taken. लेकिन आपको क्वेश्चन जो है उल्टा दिया हुआ होगा, ये प्रोडक्ट दो डिटरमिनेंट के इस फॉर्मेट में दिए होंगे, एंड देन इन दिस पोजीशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज, राइट? सो देन यू कैन सेपरेट देम इनटू टू डिटरमिनेंट्स, और दो डिटरमिनेंट में जब सेपरेट हो जाएंगे तो फिर इंडिविजुअली उन दोनों की वैल्यूज को अलग से निकाल के देन यू कैन फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द टोटल डिटरमिनेंट गिवन. तो ये भी एक और तरीका होता है बाय विच यू कैन सेपरेट इनटू टू डिटरमिनेंट्स, राइट? इस पे बेस्ड, और जैसे मैंने आपको रो बाय रो मल्टीप्लाई किया है, सो कोई भी डिटरमिनेंट अगर गिवन होता है, इट मे बी पॉसिबल इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनीवेज. तो हम उसके एग्जांपल में उतरेंगे, एग्जांपल से आपको पता लगेगा कि किस तरह से किसी गिवन डिटरमिनेंट को, जो कि दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होता है, उसको किस तरह से दो डिटरमिनेंट में वापस सेपरेट करना होता है, एंड फिर आप इंडिविजुअली दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के अल्टीमेटली गिवन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? तो उसको मैं एग्जांपल में लूंगा तो चीज आपको क्लियर हो जाएगी, राइट? इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए प्रोडक्ट पे बेस्ड दो क्वेश्चंस लिए हैं, वैल्यू ऑफ, और वैल्यू ही निकालनी है. अब आप इस पे एक चीज गौर कीजिए कि अगर मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन आ जाता है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज यू कैन सॉल्व इट, बिकॉज ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स लिखे हुए हैं दोनों में. वहां पे सेकेंड क्वेश्चन में 1 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा, cos alpha minus beta इस तरह से दिया हुआ है. इफ यू यूज द प्रॉपर्टीज तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा. इसमें कुछ ऐसा लगता नहीं कि आप प्रॉपर्टीज यूज करके इसको थोड़ा शॉर्ट कर सके एंड वैल्यू को इवेल्युएट कर सके. सो दिस प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का जो एप्लीकेशन है ये यूजफुल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि अभी हमने जिस तरह से प्रोडक्ट लिया था तो उसमें पर्टिकुलर 3 एलिमेंट्स का सम था, दैट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, राइट? सो दो दो के पेयर्स थे एंड देयर वाज 3 सम, लेकिन यहाँ दो दो के सम है. जैसे ये एक पेयर है और दूसरा पेयर है, दो ही सम आ रहे हैं जबकि होना चाहिए 3. तो इस पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसका वैल्यू 0 है. रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे एक पेयर है, दूसरा पेयर है, और सब जगह ऐसे देखने में आ रहा है ये जो डबल किया है इसने,
डबल का मतलब ये है कि वी कैन राइट द टू टाइम्स ऑफ वाई वन जेड वन प्लस जेड वन वाई वन, कुछ भी लिख सकते हैं, दो बार सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड इसमें डायगनल में देखिए आप, वाई टू जेड टू है तो उसको भी टू टाइम्स ऑफ वाई टू जेड टू प्लस वाई टू जेड टू लिखा जा सकता है, इसको भी वाई थ्री जेड थ्री और वाई थ्री जेड थ्री सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो हियर वी सी दैट एवरीवेयर देर इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर्स ऑनली, राइट। दो ही पेयर्स है जबकि होने चाहिए तीन, बिकॉज अगर दो डिटरमिनेंट में इसको सेपरेट किया गया होता तो देखिए इसका उसको किस तरह से वर्कआउट करना होता है। दो आप ऐसे बॉक्सेस बना लो जिससे कि ये प्रोडक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर को आप चेक कीजिए कि ये क्या दे रहा है। सो दैट इज गिवन एज द वाई वन जेड वन, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है वाई वन जेड वन, वाई वन जेड टू, ये वाई वन है जेड वन है और डबल किया है इसने, तो इसको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसको मैं सेपरेट करूंगा दो पार्ट्स में, राइट। दिस वाई वन जेड वन दोबारा नहीं लिखना चाह रहे हैं इसको। सो वाई वन जेड वन प्लस जेड वन वाई वन अगर लिख दें तो देखिए आप क्या होने वाला है। सो ये थोड़ा जो ट्रिक है उसको आप समझ लेंगे कि मैं पर्टिकुलर इस तरह से क्यों हम सेपरेट कर रहे हैं इसको, राइट। सो वाई वन जेड वन प्लस जेड वन वाई वन किया इसको टू टाइम्स वाले को, वाई वन जेड टू प्लस वाई टू जेड वन दिया है, वाई वन जेड थ्री है एंड प्लस वाई थ्री जेड वन है, राइट। सो इफ आई राइट इन द फर्स्ट वन वाई वन जेड वन लिख देंगे तो देखिए है तो दो का ही पेयर, दो पेयर्स हैं उनके सम है। सो थर्ड वाले में हम जीरो लिखेंगे, राइट। और एक काम करते हैं, इधर जेड वन वाई वन लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। इस तरह से आपको सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है कि वो एक्चुअल में किस तरह से प्रोडक्ट हुआ होगा। हम इसको रो बाय रो के अकॉर्डिंग लेते हुए रो बाय रो ही प्रोडक्ट हुआ है, और ये दो डिटरमिनेंट इस तरह सेपरेट होंगे और हम क्रिएट कर लेंगे इनको। देखिए ये होगा वाई वन जेड वन प्लस जेड वन वाई वन क्रिएट हुआ, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल गया है यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर यहाँ जेड वन है तो इस तरह से अगर जेड टू ले लेंगे, वाई टू ले लेंगे, जीरो लेंगे, तो अब हम सेकेंड एलिमेंट को रीड करें कि क्या वो बना बना रहा है ये। सो दैट इज द वाई वन जेड टू, देखिए वो क्रिएट हो रहा है, प्लस जेड वन वाई टू, जेड वन वाई टू ये भी क्रिएट हो रहा है, अदर इज थर्ड वन इज जीरो, राइट। तो हमें इस तरह से थर्ड डिटर्मिनेंट मिल गया। मान लीजिए ये जेड वन है, जेड टू है, तो बाई सिमेट्री दिस इज जेड थ्री डेफिनेटली, एंड वाई वन वाई टू है तो वाई थ्री होगा, उसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नो इफ इट इज दिस वन तो ये भी हम डिसाइड करेंगे, अगर यहाँ वाई वन जेड वन है तो इसमें आ जाएगा वाई टू जेड टू जीरो और वाई थ्री जेड थ्री जीरो। तो ये तो मेंबर्स हैं तो दे आर रिटन इन सम सिमेट्री, राइट। वो सिमेट्री एक बार पकड़नी होती है, वो सिमेट्री अगर आपको पकड़ में आ गया, पैटर्न पकड़ में आ गया, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते चले जाइए। अब आप इनको क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या इसका ऐसा लिखना ही पॉसिबल है। सो कैन बी राइट डाउन द वन वन थ्री पोजिशन, वन थ्री पोजिशन मीन्स फर्स्ट रो एंड दिस इज द थर्ड रो, हमने रो बाय रो के अकॉर्डिंग सेट किया इसको, सेट हुआ है, किया नहीं है, सेट हुआ है, हमने उस फॉर्मेट में मिला। सो वाई वन जेड थ्री है, देखिए वाई वन जेड थ्री मिल रहा है प्लस जेड वन वाई थ्री मिल रहा है और जीरो है, सो इट मीन्स इट इज कंफर्म दैट वी हैव रिटन डाउन इट राइट, राइट। तो उस तरह से अगर सेकेंड रो भी ले लेंगे, टू वन करके देख लीजिए, वाई टू जेड वन, सो दिस इज द वाई टू जेड वन में मैच कर रहा है, राइट। प्लस जेड टू वाई वन, सो जेड टू वाई वन ये रहा, ये फर्स्ट मेंबर, टू वन पोजिशन मैच कर रही है, टू टू पोजिशन अगर देखेंगे तो वाई टू जेड टू आ रही है, वाई टू जेड टू ये रहा मिडिल में, आप देखिए वाई टू जेड टू प्लस जेड टू वाई टू जीरो, सो दैट इज ऑल्सो मैचिंग, राइट। तो इस तरह से सारे मेंबर्स मैच कर रहे हैं, इन सभी मेंबर्स को आप चेक कर सकते हैं। बट वी नो इन द डिटर्मिनेंट इज दैट इफ एनी रो और कॉलम हैज द एलिमेंट जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। सो इंडिविजुअली ये डिटरमिनेंट भी जीरो ही है, जीरो इंटू, और ये भी है डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है, तो अल्टीमेटली इसमें आंसर जीरो आएगा, राइट। और उससे ज्यादा बड़ा शॉर्ट ट्रिक ये था क्योंकि यहाँ दैट इज ही हैज गिवन द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर्स ओनली, राइट। जबकि जिस तरह से मैंने आइडियल कंडीशन में आपको दिखाए थे डेल्टा वन डेल्टा टू मल्टीप्लाई करके, तो अगर तीन आते तो हम बोलते कि हाँ तीनों डिटरमिनेंट में पॉसिबिलिटी होगी। इन वन कॉलम यू हैव टू राइट डाउन द जीरो जीरो जीरो,
अदरवाइज ये जो दो का पेयर है वो तभी बनेगा जब थर्ड पोजीशन में या तो आप आइदर वन वन पुट कर लो या जीरो जीरो पुट कर दो, कुछ भी, एक साइड वन पुट करो जीरो पुट करो. सो इफ वन डिटरमिनेंट इज जीरो देन ओवरऑल वैल्यू इज जीरो, राइट? सो द आंसर इज जीरो हियर. नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकेंड. तो ये बहुत इजी हो जाता है इस तरह से वर्कआउट करना और आप इसकी तुरंत वैल्यू निकाल देते हो, राइट? सेकंड डिटरमिनेंट जिस तरह से दिया है इसको हम एक बार वापस रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. और देखिए इसमें भी एक हिंट है, हिंट वही इसी बात का कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं कि इसने जब कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है सो डेफिनेटली इसने इस तरह से लिखा होगा कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला एक ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको. कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस माइनस में प्लस आता है, साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा आएगा, राइट? तो यहाँ जो इस जगह एलिमेंट है दैट इज अगेन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर्स, दो पेयर्स चल रहे हैं. तो कॉस अल्फा साइन अल्फा चल रहा है, कॉस बीटा साइन बीटा चल रहा है, राइट? तो ये प्रोडक्ट हुआ है और यहाँ पे कॉस गामा माइनस साइन अल्फा है. तो इनको हम पहले एक काम करेंगे, फर्स्ट विल सेपरेट देम और उसके बाद में देखते हैं क्या लिखना है. वन को वन के लिए मैं हिंट है अभी आपको उसको पर्टिकुलर, आपको ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इस तरह की स्टेप्स याद रखनी पड़ जाती है कई बार, हालांकि मैथ्स है, बट इफ़ यू जस्ट ये एग्जाम्पल हम चेक करेंगे तो आपको हमेशा के लिए परमानेंटली याद हो जाएगा कि इस जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा. तो उसके लिए भी एक हिंट पॉइंट है कि यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इधर लिखना पड़ेगा वन की वैल्यू है वो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, एंड हियर इट विल बी रिटन कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा. क्यों होगा उसको हम इस तरह से समझेंगे कि यहाँ अगर हम देखिए वन की जगह मैं अभी लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, राइट? और इसको हम ओपन कर रहे हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा से ओपन किया. ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेथड इसीलिए यूजफुल है, डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, राइट? और इधर हो जाएगा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, राइट? सो दिस वन विल बी द थर्ड रो, तीसरी ही आ जाएगी. इधर से आप सेकंड पे आ जाइए, कॉस अल्फा माइनस बीटा है सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, राइट? और जो मिडिल में है उसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ हिंट पॉइंट कि इसको मैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा लिख रहा हूँ इस वन को, राइट? एंड थर्ड वन इज कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन ऑफ बीटा, राइट? थर्ड वन देखिए आप, थर्ड रो है दैट इज द कॉस अल्फा कॉस ऑफ गामा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ गामा, एंड इसको हम ओपन करेंगे कॉस बीटा कॉस गामा, राइट? एंड प्लस साइन बीटा साइन ऑफ गामा. और थर्ड वन, थर्ड ये जो वन है जैसे इसको हमने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, इसको कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा लिखा, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, राइट? आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो वो अभी आपको समझ आ जाएगा जैसे ही मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा. तो कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, राइट? तो ये बात आएगी. नाउ व्हाट वी कैन डू, जस्ट मेक द टू बॉक्सेस ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स. और अब मेन यहाँ से मेन गेम चालू होता है कि हम इसको दो पार्ट्स में किस तरह से सेपरेट करने जा रहे हैं, बिकॉज बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज यू कैन नॉट डू दिस. प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हैं, इनके बीच में प्रॉपर्टी कौन से लगने वाली है, राइट? सो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा हुआ है तो डेफिनेटली कॉस अल्फा दोनों कॉर्नर पे कॉस अल्फा रहा होगा, राइट? और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है तो यहाँ पे भी साइन अल्फा लिख दूं मैं और यहाँ पे भी साइन अल्फा लिख दूं, इस जगह जीरो लिख दें क्योंकि यहाँ पे भी दो का ही सम है एंड दिस इज देयर. अब सेकेंड कॉस अल्फा
कॉस अल्फा फिर यहां पे है, कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉस अल्फा है तो यहां हमें कॉस बीटा लिख देने का और साइन बीटा लिख देने का, राइट, जीरो, एंड कॉस ऑफ गामा साइन ऑफ गामा एंड जीरो। अब आप चेक कर लीजिए कि फर्स्ट रो से रो बाय रो के थ्रू अगर हम इसको सेपरेट कर रहे हैं दो डिटरमिनेंट्स में, रो बाय रो के थ्रू सेपरेट कर रहे हैं दो डिटरमिनेंट्स में, तो क्या इस तरह से ये दो डिटरमिनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, दैट इज द कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू जीरो, सो दैट इज दिस वन, राइट। वन टू पोजिशन में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये रहा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये मिल रहा है आपको। हमने थर्ड ले लिया, ऑटोमेटिक हमने एक बाय सिमेट्री हमने उसको चूज किया, कॉस अल्फा कॉस गामा ये रहा आपको, एंड प्लस साइन अल्फा साइन गामा ये रहा इंटू जीरो, सो थर्ड रो भी मैच कर रही है, तो एक पैटर्न पकड़ में आ गया, और उस पैटर्न से उठा के सारी वैल्यू लिख देंगे। जब ये कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो है तो डेफिनेटली ये कॉस बीटा साइन बीटा इंटू जीरो होगा, और ये कॉस गामा साइन गामा इंटू जीरो होगा, ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम होंगे, बोथ विल बी सेम, राइट, एंड ईच हैज अ वैल्यू जीरो, जीरो इंटू जीरो, सो अल्टीमेट वैल्यू इज जीरो, सो आंसर इज जीरो, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगा। और वैसे मोर बिगर शॉर्टकट ये हम बोल सकते थे कि डायरेक्ट वैल्यू जीरो है, हम वो जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी, इस पूरे डिटरमिनेंट में हम देख रहे थे कि इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर्स, दो पेयर्स का अगर सम हो रहा है तो डेफिनेटली थर्ड पेयर नहीं है इसमें अवेलेबल, जबकि दो डिटरमिनेंट्स अगर प्रोडक्ट होते हैं सो इट रिक्वायर, इट शुड रिक्वायर द थ्री पेयर्स, सम ऑफ थ्री पेयर्स, राइट, सम ऑफ थ्री पेयर्स जिनकी प्रोडक्ट किए गए हो, तो तीसरा अगर हर जगह अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे उसने जीरो प्लेस किया है, यहाँ इसने जीरो प्लेस किया, तभी इस तरह की डिटरमिनेंट बन सकती है, तो उसको अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, एंड डायरेक्टली यू कैन से दैट इट्स वैल्यू जीरो, राइट, सो सिंपली एनालिसिस बेस पे भी इसकी वैल्यू हम जीरो बता सकते थे, ठीक है ना, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हुए, और उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं।